Good morning, everyone. Continuing with our next topic, techniques or measures of monetary policy of India. Monetary policy जो है RBI की, उसको carry out करने के लिए following measures जो है RBI adopt करती है. वो क्या है? दो चीजें हैं. पहला है measures for expansion of currency और दूसरा है measures for credit control. पहले हम बात करते हैं measures for expansion of currency. इंडिया में जो रिजर्व बैंक है उसके पास सोल राइट है इशू करने का करेंसी को. वो किसी भी अमाउंट की पेपर करेंसी को इशू कर सकती है, लेकिन इशू करने के लिए उसे मिनिमम सिक्योरिटी 200 करोड़ रुपीस की, जो गोल्ड और फॉरेन सिक्योरिटीज में होनी चाहिए और जिसमें जो गोल्ड है उसकी वर्थ एटलीस्ट 115 करोड़ रुपीस होनी चाहिए, उसे अपने पास मेंटेन करनी पड़ेगी. Since the inception of planning in 1951, vast expansion हुआ है करेंसी का. In 1951, जो notes worth 1420 करोड़ रुपीस हैं, वो इशू किए गए थे, but in February 2019, उनकी वैल्यू इंक्रीज होकर हो गई 2079890 करोड़. Second जो measure है, that is measure for credit control. करेंसी के अलावा क्रेडिट भी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है मनी सप्लाई का और मनी सर्कुलेशन का इकोनॉमी में. आरबीआई रेगुलेट करती है सप्लाई ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में थ्रू वेरियस क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल टेक्निक्स. क्रेडिट कंट्रोल एसेंशियल माना जाता है चेक करने के लिए इन्फ्लेशनरी ट्रेंड को और ये इंश्योर करने के लिए कि एडिक्वेट अवेलेबिलिटी हो क्रेडिट की फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. और इसके लिए जो आरबीआई है दोनों क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव मेथड्स ऑफ क्रेडिट कंट्रोल यूज करती है. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स मेजर्स फॉर क्रेडिट कंट्रोल अंडर मॉनेटरी पॉलिसी. हम पहले ही ऊपर जो हमने टॉपिक किया उसमें बात कर चुके हैं कि क्रेडिट को कंट्रोल करना वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स है मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया का. कंट्रोल ऑफ क्रेडिट का मतलब है इंक्रीज और डिक्रीज जो है इन द फ्लो ऑफ क्रेडिट इकोनॉमी में, उसे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इकोनॉमी करना. जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो अडॉप्ट करता है वो सारे मेजर्स जिससे वो कंट्रोल कर सके क्रेडिट को, जो सेंट्रल बैंक्स करते हैं हर एक कंट्री में. जो मेजर्स इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट्स में, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल और क्वालिटेटिव और सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल. तो पहला हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल. जो ये टाइप है क्रेडिट कंट्रोल का, क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल जो है, ये टोटल क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट को कंट्रोल करता है इकोनॉमी में. ये किसी पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए क्रेडिट कंट्रोल नहीं करता, बल्कि फॉर द टोटल इकोनॉमी ये जो है क्रेडिट कंट्रोल करता है. ये नॉन डिस्क्रिमिनेटरी होता है सभी सेक्टर्स और प्रोडक्ट्स के लिए, और कंट्रोल करने के लिए टोटल क्वांटम ऑफ क्रेडिट जो रिजर्व बैंक है वो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के लिए वेरियस मेजर्स इंस्ट्रूमेंट्स और टेक्निक्स यूज करता है. वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला है बैंक रेट. बैंक रेट को डिस्काउंट रेट भी कहते हैं. ये वो रेट होता है जिस रेट पर जो आरबीआई है वो डिस्काउंट या रीडिस्काउंट करती है बिल्स कमर्शियल बैंक्स के. अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो कमर्शियल बैंक्स भी ज्यादा हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जो लोन्स वो दे रहे हैं पब्लिक को उस पर, क्योंकि अब उन्हें आरबीआई से ज्यादा डिस्काउंट रेट पर जो आपका मनी है वो मिल रहा है. तो हायर बैंक रेट अगर होगा तो वो क्रेडिट को इकोनॉमी में कॉन्ट्रैक्ट करेगा, क्योंकि हायर बैंक रेट हुआ मतलब कि अब जो कमर्शियल बैंक है उन्हें भी महंगा जो है पैसा मिलेगा आरबीआई से. तो जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो आगे भी जो जनरल पब्लिक को लोन देंगे वो हायर इंटरेस्ट रेट पे देंगे. जब लोन आपको ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा तो आप लोन लेना नहीं चाहोगे, तो जो क्रेडिट है इकोनॉमी में वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब जो मनी सप्लाई है वो कम होगी. देन जो पब्लिक है, हमने अभी बात की कि कम लोन लेगी, क्यों? क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आपका लोन्स पर वो हायर है. यहाँ पर इस बुक में आपके हर एक जो
आपका मेथड है, ये जो मेजर्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, टेक्निक्स हैं, उसका रेट दिए हुए हैं एट प्रेजेंट जो रेट्स हैं, ये नवंबर 2019 के रेट्स दिए हुए हैं बुक में, लेकिन इन रेट्स को, करंट रेट्स जो चल रहे हैं वो आप कहाँ से देख सकते हैं, ये हम आगे चैप्टर में करेंगे। देन नेक्स्ट है हमारा स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो। स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब क्या होता है? स्टेचुटरी मतलब कंपल्सरी, लिक्विडिटी रेशो का मतलब लिक्विड फॉर्म में जो चीज आपको रखनी है। तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशो का मतलब है एक सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स जो बैंक्स को रखने हैं इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड एसेट्स, और ये जो लिक्विड एसेट्स बैंक रखता है सर्टेन परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट्स की, वो अपने पास ही रखेगा। तो जो लिक्विड एसेट्स हैं उसमें हम किसको इंक्लूड करते हैं? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को, ट्रेजरी बिल्स को और अदर सिक्योरिटीज जो नोटिफाइड हैं एसबीआई से। तो स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो मतलब जिस परसेंटेज में जो बैंक है उसे अपने डिपॉजिट्स लिक्विड एसेट्स की फॉर्म में रखने हैं। तो अगर जो आपकी स्टेचुरी लिक्विडिटी रेशियो है वो ज्यादा होगी तो बैंक को अपने पूरे डिपॉजिट्स का ज्यादा पार्ट स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज में रखना पड़ेगा, और बैंक के पास कम पैसा बचेगा लोन को देने के लिए, तो इसका मतलब जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर जो SLR है वो कम होगी तो इसका मतलब बैंक को कम पैसा रखना पड़ेगा अपने पास लिक्विड फॉर्म में, और वो ज्यादा पैसा दे सकता है लोन्स की फॉर्म में, तो जो क्रेडिट है वो एक्सपैंड होगा। जो SLR है वो RBI फिक्स करती है, और यूजुअली जो इसकी रेंज होती है दैट इज बिटवीन 8.5% टू 39%। देन नेक्स्ट है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस में क्या होता है? इसमें जो बैंक है, जो RBI है, वो क्रेडिट कंट्रोल कैसे करता है? ओपन मार्केट में जो सिक्योरिटीज है उनको सेल और परचेज करके। अगर जो सिक्योरिटीज है सेंट्रल बैंक परचेज कर रहा है उसका मतलब वो सिक्योरिटीज ले रहा है और पैसा दे रहा है। तो जब RBI पेमेंट दे रही है जिससे सिक्योरिटी परचेज कर रही है, वो किससे परचेज कर रही है? पब्लिक से, कमर्शियल बैंक से। तो पब्लिक और कमर्शियल के बैंक्स के पास अब ज्यादा पैसा है उनके पास, तो इससे जो मनी सप्लाई है वो इंक्रीज हुई, और मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब जो क्रेडिट है इकोनॉमी में वो एक्सपैंड हुआ। अगर जो RBI है वो सिक्योरिटीज को सोल्ड कर रही है, सोल्ड करेगी तो पब्लिक और कमर्शियल बैंक्स उसे खरीदेंगे और उसके लिए वो पेमेंट करेंगे RBI को, तो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो कम हो जाएगी, क्योंकि लोगों के पास अब मनी नहीं है, वो मनी उन्होंने कहाँ यूज कर ली? सिक्योरिटीज को परचेज करने में यूज कर ली, तो जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी और जो क्रेडिट है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी में वो डिक्रीज करेगी और क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट्स, क्रेडिट रिक्वायरमेंट्स और अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी, RBI परचेज या सेल करती है सिक्योरिटीज। नेक्स्ट इज कैश रिजर्व रेशो। कैश रिजर्व रेशो क्या होती है? इसे हम CRR भी कहते हैं। CRR का मतलब है मिनिमम कैश रिजर्व जो हर एक बैंक को मेंटेन करना पड़ता है सेंट्रल बैंक के पास। सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास। अगर RBI CRR को इंक्रीज कर देती है तो जो बैंक्स हैं उन्हें ज्यादा कैश होल्डिंग रखनी पड़ेगी RBI के पास। इसका मतलब कि उनकी जो लोन देने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, और अगर CRR हायर है तो वो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करेगी। अगर CRR डिक्रीज कर देती है RBI तो जो बैंक्स हैं उनके पास ज्यादा कैश होगा लोन देने के लिए, तो जो लो CRR है वो एक्सपैंड करेगी क्रेडिट को। नेक्स्ट इज योर रीपर्चेज ऑक्शन रेट, या जिसे हम रेपो रेट कहते हैं, एंड रिवर्स रीपर्चेज ऑक्शन रेट, जिसे हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेट्स हैं मॉनेटरी पॉलिसी के। रेपो रेट का मतलब है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस रेट पर कमर्शियल बैंक्स बोरो करते हैं RBI से, और रिवर्स रेपो रेट का मतलब है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो RBI देता है कमर्शियल बैंक्स के डिपॉजिट्स के ऊपर जो उसके पास है। तो अगर रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि बैंकों को लोन RBI से महंगा मिलेगा,
तो रेपो रेट कॉन्ट्रैक्ट करेगा क्रेडिट को, क्योंकि जो कमर्शियल बैंक्स हैं उन्हें आरबीआई से हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर क्रेडिट मिलेगा। सिमिलरली तो जो आपका इंक्रीज होगा रिवर्स रेपो रेट, अगर रिवर्स रेपो रेट आपका इंक्रीज हो जाता है तो उससे भी क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा। उसका रीजन क्या, रिवर्स रेपो रेट इंक्रीज हुआ तो जो आरबीआई है इसका मतलब कमर्शियल बैंक्स को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रही है उनके डिपॉजिट्स पर, तो जो कमर्शियल बैंक्स है वो आरबीआई के पास अपना डिपॉजिट रखना चाहेंगे बजाय उसे लोन देने के, क्योंकि उन्हें ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां से मिल रहा है। तो अगर रिवर्स रेपो रेट भी इंक्रीज होता है तो वो भी आपका क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और अगर उल्टा हुआ तो क्रेडिट को एक्सपैंड करेगा। देन नेक्स्ट इज मल्टीपल रेट्स ऑफ इंटरेस्ट। इस प्रोग्राम के अंडर जो आरबीआई है वो फिक्स कर देती है क्रेडिट कोटा वेरियस कमर्शियल बैंक्स के लिए। अगर कमर्शियल बैंक बोरो करता है फंड्स आरबीआई से उस कोटा के अंदर, तो उसे जो चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट वो रेपो रेट पर किया जाएगा। लेकिन अगर कमर्शियल बैंक बोरो करता है लोन अपने फिक्स्ड कोटा से ज्यादा अमाउंट का, तो उनसे ज्यादा हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जाएगा, मतलब जो रेपो रेट है उससे भी ज्यादा इंटरेस्ट रेट उनसे चार्ज किया जाएगा। तो जो आरबीआई है कोटा कमर्शियल बैंक्स का चेंज कर कर और उसके अकॉर्डिंग इंटरेस्ट रेट्स जो हैं लेंडिंग के वो चेंज करके बियॉन्ड कोटा लिमिट जो क्रेडिट है उसको एक्सपैंड या कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है। अगर आरबीआई रिड्यूस कर देती है कोटा को और इंक्रीज कर देती है इंटरेस्ट रेट को तो क्रेडिट कॉन्ट्रैक्ट होगा, और अगर आरबीआई इंक्रीज कर देती है कोटा को और रिड्यूस कर देती है इंटरेस्ट रेट को तो क्रेडिट एक्सपांड होगा। नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज सेलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल्स या क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। इसे हम कंटिन्यू करेंगे हमारे नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।